आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, व्हिच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड टू करेक्ट द इक्वेशन। तो यहां पे कह रहा है कि इक्वेशन दी हुई है जो कि आपकी पहले इनकरेक्ट है ना। तो आपको कह रहा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने ऐसे दो साइंस को पिक करना है कि अगर हम उनको इंटरचेंज करें कि ये है ना इक्वेशंस क्या हो जाए आपकी करेक्ट हो जाए। ताकि हम इस है ना लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो देखो सबसे पहले जो इक्वेशन है वो क्या हमारे पास है, 12, देन आपका प्लस 8 है, देन उसके बाद हमारे पास माइनस 25 है, देन उसके बाद आपका डिवाइड बाई 10 है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 18 है। अभी इसको हमको सॉल्व नहीं करना, अब हम ऑप्शंस को पिक करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हमें कौन से साइंस को चेंज करने को कह रहा है, तो आपको कह रहा है डिवाइड और माइनस को क्या कर दो, इंटरचेंज, ठीक है। तो हम माइनस की जगह एज ए डिवाइड यूज करेंगे, ठीक है, और डिवाइड की जगह यूज करेंगे एज ए माइनस, ठीक है। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 12 प्लस 8, ठीक है, 25 और फिर 10 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 18। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। बोर्ड मास क्या कहता है हमारे पास, बोर्ड मास कहता है अगर आपको पहले डिवाइड दिख रहा है तो आपने पहले डिवाइड सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपका 12 प्लस 8 बाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10 इंटू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 8 बाई 25 करेंगे, तो अगर हम 8 को 25 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, है ना। 25 फ्री जा कितना जाएगा, 75 टाइम्स जाएगा, 5 आ जाएगा, पॉइंट तो लगा ही हुआ है, 0 उठा देंगे ऊपर से, ठीक है, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, तो 0.32 आएगा। तो आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा आंसर अब बनेगा ये आपका डेसिमल में आएगा, ठीक है, किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस तो ऑब्वियस बात है आंसर हमारे पास एक आपको है ना यहाँ पे जो आपका डाटा दिया गया वो एज ए डेसिमल में है, तो ऑब्वियसली बात है जो नेट आंसर निकलेगा वो भी डेसिमल में निकलेगा, तो 14 तो यहाँ से निकलेगा नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आंसर हमें पता चल चुका है कि ये एज ए है ना डेसिमल में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे हमें समझ में आ गया फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो अब हम सेकेंड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, किसको चेंज करना है, प्लस और डिवाइड को। तो कह रहा है प्लस की जगह आप एज ए डिवाइड ले लो, ठीक है, और डिवाइड की जगह आप एज ए प्लस यूज कर लो। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, 12 है, 8 है, माइनस 25 है, प्लस है, 10 है, मल्टीप्लाई बाई 18 है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 12 बाई 8, ठीक है। अच्छा, 12 बाई 8 माइनस 25 प्लस 10, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 18। अगर हम 12 बाई 8 करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 वन जा कितना जाएगा, 8 कितना बच जाएगा आपका, 4, पॉइंट लगा के 0 उतारोगे, 8 फाइव जा कितना हो जाएगा, 40, है ना। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बट हमारे पास यहाँ से फिर से 1.5 आया है, माइनस 25 प्लस कितना हो जाएगा, ये 180। तो आपको फिर से समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू हमें किस में दिख रही है, डेसिमल में दिख रही है, तो जो नेट आंसर निकलेगा हमारा डेसिमल में ही आएगा, 14 तो नहीं आएगा यहाँ से, है ना। तो हम पूरा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही यहाँ से, है ना, हमें समझ में आ गया अगर हम पूरा नेट निकालते भी हैं तो हमारा आंसर डेसिमल में आएगा, तो कोई नीड है नहीं उसकी निकालने की, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उस ऑप्शन को कर देंगे एलिमिनेट। अब हम मूव करेंगे थर्ड ऑप्शन की तरफ, तो थर्ड ऑप्शन हमें क्या कह रहा है कि इन दो साइंस को चेंज करना है, मल्टीप्लाई और माइनस को, ठीक है। तो कह रहा है माइनस की जगह आप मल्टीप्लाई यूज करो और मल्टीप्लाई की जगह आप माइनस यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे 12 तो वैसे ही रहेगा, प्लस आपका 8 होगा, है ना, माइनस की जगह मल्टीप्लाई आ गया, 25 डिवाइड 10 और है ना लास्ट में क्या था आपका 18 तक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 18 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2.5 माइनस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब डिवाइड के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2.5 को, है ना, 2.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से, है ना। तो पहले देखो 8 फाइव जो कितना होता है हमारे पास, 40 होता है, कैरी जाएगा आपका 4, ठीक है। 8 टू जो कितना होगा, 16 होगा, 16 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 20। तो ये 200 आ रहा है, बट यहाँ पे डेसिमल था ना, तो एक डिजिट के बाद था, तो यहाँ पे भी हम एक डिजिट के बाद लगा देंगे, तो नेट आंसर निकल रहा है हमारे पास 20.0, इसका मतलब 20 आ रहा है हमारे पास। तो 12 प्लस 20 माइनस कितना करेंगे, 18 करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पहले एडिशन कर लेते हैं, तो 20 और 12 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास, 30
टू हो जाएगा। 32 में कितना घटाना है आपने 18, तो यहाँ से 2 में 8 जाएगा नहीं, 12 में 8 जाएगा कितना आएगा 4, कैरी ले लिया था 2 में 1 जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल रहा है 14, और हमें भी 14 ही चाहिए था। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हमें मिल चुका है कि अगर इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई और माइनस को इंटरचेंज करते हैं तो हमें 14 मिल जाएगा। राइट आंसर इज थर्ड। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।